नमस्ते, मैं सीमा आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेट मैनेजमेंट यानी हम किसी भी तरह के कोई भी चीज हो, फिर उस पे मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। फिर वो आपका शरीर हो, आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, या फिर आपके बच्चों का फ्यूचर हो, मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट करने के लिए ही आज हमने ये सेशन रखा है, और वो मैनेजमेंट होगा हमारे शरीर पे, बॉडी पे। तो ये बॉडी, अगर हमारा शरीर बीच में है और बहुत मोटा होता जा रहा है या फिर पतला होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सोच आती है कि भाई मैं मोटी क्यों होती जा रही हूँ, पतली क्यों होती जा रही हूँ, क्योंकि दोनों ही चीजें सही नहीं होती। एकदम सडनली वजन बढ़ना और सडनली वजन घट जाना, ये कहीं ना कहीं हमारा मिस मैनेजमेंट की वजह से हमारे शरीर में ये ऐसा वक्त आ जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा शरीर ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे हम अपने आप को कैसे बैलेंस करें, अपने वजन, खास तौर पे जब हमारा वजन बैलेंस होता है एक सही ढंग में, सही तरीके से हम जब हमारे वजन को बैलेंस करते हैं या फिर शरीर पे वजन पे मैनेजमेंट करते हैं, तो हम काफी हद तक हम हमारे अंदर की बीमारियों को दूर रख सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अपने आप को खुश भी रख सकते हैं, और एक मूड जो होता है उसको बहुत अच्छे से दूर कर सकते रख सकते हैं। तो यही आज सीखने के लिए हम जानेंगे कि नेचुरोपैथी के थ्रू कि हम हमारे शरीर को कैसे बैलेंस करें, कैसे वेट को मैनेज करें, टू नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी योगा। नेचुरोपैथी एक कंप्लीटली ड्रगलेस थेरेपी है, जिसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं होती। बहुत ही नेचुरल बेस पे हम नेचुरोपैथी को अपनाते हैं, और उसके ऊपर चिकित्सा, वो नेचुरोपैथी की चिकित्सा हम अपने ऊपर कर सकते हैं। धूप, मिट्टी, हवा, आकाश, पानी, ये जो फाइव एलिमेंट जो है ना, ये फाइव एलिमेंट्स हमारे शरीर पे काम करते हैं, क्योंकि इसी से ही हमारा शरीर बना है, और यही यही इसी के थ्रू ही हम हमारे शरीर के ऊपर चिकित्सा कर सकते हैं। फिर वो चाहे कोई भी रोग हो, उस रोग पे हम इन पांच एलिमेंट से हम हमारे शरीर पे चिकित्सा कर सकते हैं, अपने वेट को बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो वो कैसे करें, तो ये इसके लिए आज हम इस सेशन में इनवाइट करेंगे डॉक्टर शिखा गुप्ता। डॉक्टर शिखा गुप्ता डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक नेचुरोपैथिक क्लिनिक ऑफ लखनऊ। इनका 20 इयर्स का बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है नेचुरोपैथी के साथ, और मंथली वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेते हैं, जिससे कि आप खुद नेचुरोपैथी को समझे, नेचुरोपैथी को सीखे, और उसको अपने तरफ, अपने शरीर के ऊपर उसको अपनाए, यानी आप खुद ही अपने खुद डॉक्टर बने और उसको ट्रीट करें अपने ऊपर। ऐसी एक बहुत ही प्राकृतिक चिकित्सा है जिसके थ्रू हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, वेलबींग कर सकते हैं, और इसी को स्टार्ट करने के लिए हम, मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर शिखा गुप्ता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सीमा जी, काफी लंबे समय से आपसे जुड़ाव है और बहुत अच्छे से आपके साथ समय बीत रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा में आप अच्छा काम कर रहे हो और योग में तो आप महारत है ही है आपको, और सभी लोगों को देख के बहुत आनंदित हूँ मैं कि बहुत लंबे समय बाद भी सबसे जुड़े हुए हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या ऑनलाइन आप लोगों से जो जुड़े वो सार्थक हो रहा है। नमस्कार जितेंद्र जी, बहुत सारे लोग तो मेरे परिचित हैं, रागी जी, दिबोजे, मोती जी, पूजा, सभी आप सभी लोगों को, रश्मि जी, सीमा जी तो है ही है, उन सबको बहुत सारा प्यार। आज का जो टॉपिक है उसका क्रेडिट सीमा जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैम थोड़ा ओबेसिटी पे भी हम दोनों मिलकर के अगर चर्चा करें शायद ये बहुत अच्छा होगा और लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो ऐसे करके हमने अभी एसिडिटी मैनेजमेंट भी किया, जिसमें रश्मि जी ने भाग लिया था, तो वो एसिडिटी मैनेजमेंट पे इसी तरह की वर्कशॉप बनाई थी हमने, प्रोग्राम बनाया था। तो इस प्रोग्राम को देख के आप समझ पाएंगे, इसी तरह डायबिटीज, हाई बीपी, इस तरह के हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं जिसमें पूरा एक मैनेजमेंट होगा। मतलब ना सिर्फ आपको नेचुरोपैथी बल्कि उसके बारे में एक्यूप्रेशर का क्या रोल है, डाइट का क्या रोल है, और अदर थेरेपीज क्या कहती है वो अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं, जिससे बहुत आपका समय ना ले और आप कंटेंट कर सकें। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ा लेट हो गया। अग्रेट, ठीक है।
तो सभी को हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है, विजिबल? थैंक यू। तो ओबेसिटी इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज इन्वॉल्विंग एन इनसेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। ये आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में जब एक्सेसिव फैट डिपॉजिट है तो हम ओबेज हैं, है ना। ओबेसिटी सभी को पता है कि हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। कैसे इसको नापते हैं? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, वेट अपॉन हाइट, जो कि मीटर्स में ली जाए, उसको स्क्वायर करके अगर हम डिवाइड करते हैं तो निकल आएगा। जैसे आपका जितना भी वजन है, मान लीजिए 50 किलो है, और जितनी हाइट है उसका स्क्वायर कर दें, तो बीएमआई 25 के अंदर होना चाहिए। वही वो नॉर्मल है। जब आप उसके बीएमआई जब निकालने के बाद देखते हैं कि हमारा बीएमआई कितना आ रहा है, ये कोई भी व्यक्ति निकाल सकते हैं। जनरली हमें अपनी फीट में हाइट पता होती है। आप गूगल पे फीट को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर्स में, और वेट अपॉन हाइट स्क्वायर कर लीजिए मीटर में, और उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका बीएमआई निकल आएगा। बीएमआई जो है वो 25 आता है। अगर उसका फिगर आप नॉर्मल हैं और उससे ज्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 25 से 30 के आसपास दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है बीएमआई कह रहा है 25 ही होना चाहिए तो हम उसके लिए बहुत मेहनत करने लग जाएं, और एक्यूरेट के लिए हम विगरस फास्टिंग करें, इस पे नहीं जाना चाहिए। कि आप इजीली निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, बट हाइट हम मीटर्स में लिखेंगे और वेट को किलोग्राम में लिखेंगे। 2 बार हाइट को लिख दीजिए मीटर्स में, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो निकल आएगा। और आप गूगल पे भी डालेंगे तो भी आपका बीएमआई बता देगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर मेनी क्रॉनिक डिजीजेस दैट इंक्लूड डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, ब्रीदिंग डिसऑर्डर जो बहुत कॉमन है, स्लीप एपनिया, पोटेंशियली सीरियस स्लीप डिसऑर्डर जिसमें कि ब्रीदिंग दिक्कत करता है, गॉल ब्लैडर डिजीज, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, है ना, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और सेक्चुअल हेल्थ भी प्रभावित होती है। तो इतने सारे कॉजेज हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो मोटा है उसको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि हमें ये इश्यूज आते हैं और आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो प्रिवेंशन नहीं, मैनेजमेंट इसको कहेंगे। जितना हमारे को वजन चाहिए उसको हम मैनेज कैसे करें और हेल्दी रहें। ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एम्ब्रेसिंग स्पेसिफिक लाइफस्टाइल। सबसे पहले स्पेसिफिक पैटर्न हो, ऐसा नहीं आज हम खा रहे हैं तो कल नहीं खा रहे हैं, परसों हम बिल्कुल ही मील स्किप कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो आपकी बॉडी को जो सूट करती है वो उस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। फॉलोइंग इन अ हेल्दी ईटिंग प्लान, एक हेल्दी ईटिंग प्लान होना चाहिए, ना कि आपको बहुत ज्यादा फास्टिंग करने की इजाजत है। नोइंग एंड अवॉइडिंग फूड दैट आर बैड फॉर योर हेल्थ एंड अवॉइड ईटिंग देम। ठीक है, अपने खुद ही पहचाने कि हमारी बॉडी के लिए क्या खाना बुरा है क्या अच्छा है, और उसको फिर आप धीरे धीरे अवॉइड करें। मॉनिटरिंग योर वेट रेगुलरली, पर दिन स्केल पे नहीं खड़े होना चाहिए। मेरे हिसाब से वीकली असेसमेंट होना चाहिए, वीकली असेसमेंट इंचेस का, वीकली असेसमेंट वेट का। हर दिन आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं, सुबह दोपहर शाम खड़े हैं, तो वो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को और बढ़ाएगा। ऐसा मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि वेइंग मशीन रखी है सामने, इसका मतलब ये नहीं है, आप एक डेट नोट कर लो और हर मंडे चेक करना है तो हर मंडे मॉर्निंग चेक किया, बस इससे ज्यादा नहीं। उससे आपको एक एक असेसमेंट पता चलेगा, एक फिगर पता चलेगा कि हम 1 kg 1 week में लॉस कर रहे हैं, मतलब ठीक है, इट्स ओके। और डेली डेली हर वक्त नहीं, बीइंग कंसिस्टेंट विद ऑल द अबव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, है ना। आप और भी चीजों का डायग्नोसिस बना सकते हैं। कॉजेस क्या है? जेनेटिक, ये तो आपको पता ही है। ओवर ईटिंग, नो डाउट, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हम बहुत रेगुलर मंचिंग कर रहे हैं, उस वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है। कभी कभी हमें बहुत सारे खाना खाने की आदत है, खाना, फूड। तो कहते हैं, एक हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में कहावत है, हम शाकाहारी नहीं, हम अन्नाहारी हैं। अन्नाहारी मतलब हम फूड खाते हैं, कुक्ड फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हम। अननेसेसरी कहते हैं शाकाहारी मीन्स वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मतलब शाक भाजी ज्यादा खानी चाहिए, वो नहीं है। और वो ना होने की वजह से हम ओवर ईटिंग में आ जाते हैं, उस कैटेगरी में आ जाते हैं। इनएक्टिविटी,
कभी हमको पता नहीं होता कि हमारा, जैसे हम लोगों का ही, हमारा मेंटल वर्क बढ़ता जा रहा है और मेंटल वर्क बढ़ने से हमारी फिजिकल एक्टिविटी डाउन है। इस वजह से ना सिर्फ ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, एसिडिटी इश्यूज, ब्लोटिंग इश्यूज और पिल्स, फिशर, ये सब बढ़ रहे हैं और अच्छी खासी यंग एज में बढ़ रहे हैं, जिसके हमारे पास लगातार पेशेंट्स हैं। अनहेल्दी डाइट, ये आप सबको पता है, मेडिकल कंडीशंस, कभी कभी हमारी मेडिसिन ही हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं और वो ही हमारा वेट पुट ऑन करती हैं। सर्टेन मेडिकेशन तो कुछ हैं, उसके उसमें नहीं जाएंगे। जो अब मेन टॉपिक आता है उस पे बात करते हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, जो मेरा मास्टर सब्जेक्ट है। तो अभी तक जो था वो थोड़ा इंट्रो था कि आपको उससे इंटरेक्शन उस तरफ ले जाएं, मतलब कहते नहीं है कि उस माहौल में ले जाएं जहां पर आप जो सीखने आए हैं, तो वो माहौल हम क्रिएट कर रहे थे। अभी मेन जो नेचुरोपैथी में एक उपवास चिकित्सा आपको मैंने पढ़ाई, जो लोग और भी पढ़ना चाहें जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं करी है वो फिर से हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो फास्टिंग उपवास चिकित्सा में, पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा फास्टिंग करते थे जिसकी वजह से कैंसर कम था और इस तरह की जो असाध्य बीमारियां हैं वो कम थी, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ ऑटोफेजी का काम करती थी और उनके सेल्स किल किए जाते थे। बट अभी क्या है, हम बहुत डरे हुए और धर्म के नाम पे फास्ट करते हैं। ऐसा ना करें, अपनी हेल्थ के हिसाब से उपवास को रेगुलराइज करें, किसको कितने उपवास की जरूरत है। तो 12 आवर्स की फास्टिंग क्या होती है, 1 मील अ डे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के सिनेरियो में अगर फिट रहना है तो आपको एक कुक्ड मील पे आना पड़ेगा, एक प्रॉपर कुक्ड मील। वो कैसे संभव है, जब आप अपने खाने को 3 से 4 के बीच में खाएंगे। अगर आप 3 से 4 के बीच में खाते हैं और सुबह आप, वो मैं बताऊंगी धीरे धीरे, सुबह आप एक फ्रूट डाइट, लिक्विड्स, जूसेस, आपके ड्राई फ्रूट्स, इन सब पे रह जाते हैं फ्रिक्वेंट इंटरवल, और इधर भी लास्ट में आप बढ़िया सूप बनाते हैं या बॉइल्ड वेजिटेबल्स सौते की हुई खाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से ये मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि 2 बार कुक्ड फूड खा के उतनी एक्टिविटी कोई नहीं कर रहा है, तो वो अब हमारी बॉडी को हजम नहीं हो रहा, सिंपल। सेकेंड है 24 आवर्स ऑल्टरनेट डे मील, ये विग्रस फास्टिंग है। जब आप उपवास खाते हैं और फास्टिंग करना चाहते हैं तो 24 घंटे में, मतलब एक दिन आप स्किप करते हैं, एक दिन फास्टिंग करते हैं और एक दिन भोजन करते हैं, ऐसा वो फ्रूट डाइट पे आप रह सकते हैं। और ऐसा मैं बहुत फ्रिक्वेंटली लोगों को जो भी डाइट प्लान देती हूँ तो उसमें ऐसा करती हूँ, एक दिन आपने खाना खाया है नॉर्मल हेल्दी खाना खाया और अगले दिन आप फ्रूट फास्टिंग कर लें, फिर अगले दिन आप खाना खा लें, तो ऐसे ऑल्टरनेट डे मील लेते हैं वंस इन अ वीक। वो हम एडवाइस करते हैं हेल्दी रहने के लिए, सस्टेन हेल्थ के लिए, आप हफ्ते में एक बार फास्ट करें, कोई भी दिन चूज कर लें। उस दिन आप सिर्फ फलों पर रह जाएं और फल के साथ साथ आप भीगे हुए किशमिश वगैरह ये सब ले सकते हैं जो हमारे रेजिन्स हैं। 9 डेज इन अ 6 मंथ, जो आप हमारे साथ नवरात्रि की फास्टिंग करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, ये उस श्रेणी में आता है जिसमें आप 6 दिनों तक धीरे धीरे अपनी बॉडी को 2 से 3 दिन लिक्विड डाइट लेते हैं। फास्टिंग्स में फ्रूट फास्टिंग, ऑल वेजिटेबल्स, अच्छा एक होता है गाजर खा सकते हैं कि नहीं, टमाटर खा सकते हैं कि नहीं, जो भी चीज रॉ है हम उसको सैलेड की श्रेणी में रखते हैं, वो भी हमारे फलाहार में आती है। मोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो भी चीज हमारे लिए सब्जियों में रॉ खा सकते हैं वो सारी हम फलाहार कर सकते हैं। फ्रूट फास्टिंग, ऑल वेजिटेबल्स विच यू ईट रॉ प्लस फ्रूट्स प्लस सोक्ड ड्राई फ्रूट, एज सिंपल एज दैट। ये सारी एल्कलाइन है, ये आप ले सकते हैं। जूस फास्टिंग में फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, सूप एंड रेजिन जूस। रेजिन जूस हमने आपको फास्टिंग में बनाना बताया, आप जो है किशमिश भिगो दें, मुनक्के भिगो दें, खजूर भिगो दें और उसके पानी को पी लें, या उसको पूरा मैश कर दिया पल्प और फिर आपने उसको छान लिया। तो इस तरीके का जूस आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं। बेसिक रूल्स ऑफ जूस फास्टिंग, इस तरह से जूस फास्टिंग करनी चाहिए, नहीं भूख लगी, नहीं पिया, चाय पी ली बीच बीच में, जूस फास्टिंग कर रहे हैं तो आप एक रेगुलर इंटरवल पे करें जिससे आपको उसका नुकसान ना हो। टेक जूस इन एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे पे आप जूस पिए। फिर क्या होगा, पहले जूस को आप 25 ml 50 ml लें सिर्फ, थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और बढ़ाएं, इस तरह आपको वो डाइजेस्ट होने लगेगा और आप इसी 2 घंटे में उस जूस को पचाने लग जाएंगे। इस तरीके से बहुत लंबे समय तक अच्छी फास्टिंग की जा सकती है जब तक आपकी इच्छा हो। इंक्रीज क्वांटिटी स्लोली, just chew your juice, not swallow. Second,
हम खड़े हो गए, हमने कहीं फ्रेश जूस कॉर्नर देखा, हमने बनवाया और हम खड़े खड़े जूस को पी गए, वो बहुत हार्मफुल है। और फिर हम कहेंगे कि अरे हमको तो सूट नहीं कर रहा है जूस, हमको डायरिया हो गया या हमको लूज मोशन हो गया या वो हमको वोमिटिंग हो गई। ये गलत तरीका है जूस को पीने का। आप बैठ के मुंह में एक सिप लें, सलाइवा से मिक्स करें और तब सॉलो करें। आपको कम से कम 10 मिनट लगना चाहिए 1 50 ml जूस पीने में। जस्ट च्यू योर जूस, नॉट सॉलो। यू मे एड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन जूस। आप ऐसा कर सकते हैं शुरू में कि आपने अनार का जूस निकलवाया 50 ml, तो 50 ml ही आपने पानी मिलाया और उसके बाद उसको पिया, तो धीरे धीरे बॉडी उसको टॉलरेट करेगी। या जूस ऑरेंज का है, खट्टा है, आपको लगता है ये खट्टा है मेरे लिए, तो आप उसमें पानी को बॉइल कर लीजिए, कुछ पानी को मिला दीजिए उसका हाफ और धीरे धीरे उसको पीजिए। नॉट टेक जूस विद सॉलिड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जूस है जो उसके साथ जूस भी रख लिया। जनरली अपन अभी सभी लोग ये कर रहे हैं, अच्छा सिर्फ नाश्ता, इसके साथ तो जूस होना चाहिए। जितना आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करोगे उतना आप अपने बाउल मूवमेंट को इरिटेट करोगे। आप जूस पी रहे हैं, आप सिर्फ जूस पीजिए। आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप सिर्फ फ्रूट्स खाइए खूब सारे। आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप सिर्फ वेजिटेबल्स खाइए। जूस के साथ हमने एक अनार खाया और एक ऑरेंज जूस पी लिया, ये ठीक नहीं है। आप वो हमेशा ही आपके स्टमक को इरिटेट करेगा क्योंकि सारे एंजाइम्स डाइल्यूट कर दिए और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक ही चीज चूज करिए। यू कैन मिक्स वन और टू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर आप वेजिटेबल जूस पी रहे हैं, दो तीन वेजिटेबल्स को मिक्स कीजिए, जैसे गाजर है, आंवला है, चुकंदर है, आपने मिला लिए। अगर आप फ्रूट्स मिक्स कर रहे हैं तो दो तीन तरह के फ्रूट्स मिक्स करके जूस ले सकते हैं। इसकी सिंगल भी, सिंगल सबसे अच्छा है। बट नेक्स्ट मैंने ये थंब रूल करके बनाया है क्योंकि ये मुझे आपको मैसेज देना था और एक इम्पोर्टेंट चीज जो दिमाग में है कि कहीं ना कहीं हम ये थोड़ी सी गलतियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या है कि फोन भी चल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं या कुछ लिख भी रहे हैं तो भी हम खाई जा रहे हैं। या समटाइम्स तो अब ये वाला सिनेरियो आ गया, माहौल आ गया है कि मम्मियां खिला रही हैं, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, बच्चा मेरा खा ले, तो वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी है। ये देख रहा है तो भी खा रहा है, बच्चे को टाइम नहीं है। मैंने बड़ों बड़ों को देखा है, तो अच्छे ऑफिसर क्लास के लोग हैं, उनकी वाइफ्स खिला रही है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसा ना करें। सो मतलब ऐसा तो मैं एक जगह गई, घर में किसी के गई और वो बड़ा मैं आश्चर्यचकित हुई कि वो जो है खिला रही थी उनकी वाइफ, नहीं, उनको टाइम नहीं है, बस 2 मिनट आप दीजिए, अभी मिलते हैं आपसे। तो मुंह में खिला रहे हैं और वो अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फोन अटेंड कर रहे हैं। ऐसा ना करें। माइंडफुल ईटिंग मीन्स आप जो खा रहे हैं उसके प्रति आभार हो, प्रार्थना हो, और आप जो खा रहे हैं उसके प्रति मतलब अच्छी गुड फील हो। कुछ भी खाएं पिए, देर थोड़ा समय दें कि आप सिर्फ उसके साथ हैं। चाय के साथ हैं तो चाय भी हजम होगी, यकीन मानिए। हालांकि मैं चाय के खिलाफ हूँ, लेकिन स्टिल आप जो खा रहे हैं आप उसके पिए और उसके साथ रहें। माइंडफुल ड्रिंकिंग अगेन वही है जैसा मैंने जूस को बताया कि आप जो पी रहे हैं मुंह में सॉलो करें, मुंह में पूरा सर्कुलेट करें। खड़े खड़े कहीं से भी जूस ले लेना और पी लेना, ले सकते हैं आप, एग्री कि उसने बहुत अच्छे से वो बना रहे हैं, सब कुछ साफ है, आप वहां पर से ले सकते हैं जूस, लेकिन आप पी नहीं सकते क्योंकि पीएंगे आप खड़े होकर के, वहां पे अरेंजमेंट नहीं होगा। सो आप बैठ करके ही पिए इत्मीनान से, तो ही वो जूस फायदेमंद है। ये तो ये बेसिक थंब रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा गलतियां करते भी करते हैं, कभी कभी अनजाने में ही करते। रूल टू, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। ये हमने हमेशा बताया कि हाई प्रोटीन हाई कार्ब डाइट आज के सिनेरियो में पचाना मुश्किल है। कल का माहौल पुराना अलग था, वो लोग बहुत काम करते थे, वो दाल चावल हजम कर सकते थे। आज हाई कार्ब हाई प्रोटीन हजम नहीं होगा, आपको उसके साथ सैलेड, आपको उसके साथ चटनी, अल्कलाइन फूड, रॉ फूड बढ़ाना पड़ेगा, वो तभी डाइजेस्ट होगा। तो रोटी चावल कम कीजिए, सब्जी दाल बढ़ाइए, या दाल खानी है तो उसके साथ सब्जियां बढ़ाइए। प्रोटीन प्लस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट प्लस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, हाई प्रोटीन विद हाई कार्ब्स डाइट नॉट रिकमेंडेड। ये हमने पहले भी नेचुरोपैथी में बहुत तरीकों से समझाया है और अगर आप इसको फॉलो करें तो यकीन मानिए बहुत हद तक एसिडिटी कम हो जाती है अपने आप। दालें जो हजम नहीं होती हैं वो भी हजम हो जाती हैं अगर आप रोटी चावल छोड़ दें, दाल में खूब सारी सब्जियां डाल के साबुत दालों को बनाना शुरू करें तो दालें अच्छी हो सकती हैं। रूल थ्री, 80% अल्कलाइन डाइट। मतलब कैसे होगी 80% अल्कलाइन डाइट, जब आप 250 ग्राम फल दिन भर में याद रखेंगे कि खाना है, भले ही खाना स्किप हो जाए, नहीं खाया है सुबह से तो खाना है,
सौ ग्राम सब्जियां खानी है और 250 ग्राम सलाद खाना है। ये फॉर्मूला है और आपको इसको पूरा करना ही करना है। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपका वजन कम होने लग गया। बहुत बार ऐसा होता है हम अपने पेशेंट्स को ये लिखते हैं और उनका वजन कम होने लगता है क्योंकि उनकी बॉडी को फाइबर मिलता है अच्छा खासा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी को फाइबर नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे रूल 4, ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर एवरी स्नैक एंड मिनिमम 3 to 4 ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर एवरी कुक्ड मील। ठीक है, तो 1 ग्लास पानी हर स्नैक मील के बाद, आपने कुछ नाश्ता किया है हल्का फुल्का, उसके बाद आप 1 ग्लास पानी पीजिए। और कोई खाना खाया है तो आप ऐसा ना करें कि नाश्ता किया फिर खाना खाया, ठीक है, फिर नाश्ता हो गया। तो नाश्ते को पचाने के लिए पानी जरूरी है, चाहे वो लिक्विड नाश्ता क्यों ना हो, चाहे जूस ही क्यों ना हो। और जो खाना खाया है उसके बाद मिनिमम 3 ग्लास ऑफ वाटर, 3 to 4 ग्लास, तभी आप टी लें, तभी आप हर्बल टी लें, तभी ही आप ऐसी कोई भी चीज लें। ठीक है, आफ्टर एवरी कुक्ड मील 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर आप करें, जब वो कंप्लीट हो जाए तभी आप किसी स्नैक मील पे, किसी हर्बल टी पे, किसी ग्रीन टी पे या इस पे आए। ठीक है, थंब रूल 5 क्या है? एरोबिक वॉक, जॉगिंग, स्विमिंग, योग, टोटल 3 आवर्स वर्कआउट ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए। मेंटेन रहने के लिए योगा 1 घंटे का, 1 घंटे की वॉक, 10,000 स्टेप कूल। तो आप सोचें कि आपका मेंटल वर्क है, आप बैठ के ज्यादा दिन काम करते हैं और आपको वजन भी कम करना है, आपको 3 आवर्स वर्कआउट करना पड़ेगा। एक अपना हॉबी का, एक योग, एक वॉक, इनको मिला करके आप कम कर पाएंगे, अदरवाइज आप कम नहीं कर पाएंगे। प्लस डाइट, मिनिमम 45 मिनट इन वन स्ट्रेच। अच्छा, वॉक में भी आजकल एक ही स्मार्टेस्ट चली है। आज ही हम किसी की काउंसलिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा 15,000 स्टेप करने पूरे दिन में। अच्छी बात है, ये आपकी एक्टिविटी को बूस्ट किया उसने, उन्होंने, कि भाई आपको बैठे नहीं रहना ज्यादा देर। जब आप चलते हैं ना, 20 मिनट में आपकी बॉडी वार्म होती है, गर्म होती है, 20 मिनट से 45 मिनट का जो गैप है उसमें आपकी बॉडी हील होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स डिटॉक्स होते हैं। तो वन स्ट्रेच वॉक होनी चाहिए। तो अच्छी बात है कि आपकी सिटिंग आवर्स कभी ज्यादा होने ही नहीं चाहिए, आपका इतना लिथार्जिक ही आपके ओबेसिटी का कारण है। पर आपको अगर बेनिफिट चाहिए वेट लॉस के साथ, आपका हमेशा वॉकिंग जो स्टाइल पैटर्न है वो 20 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। 20 मिनट से 45 मिनट के बीच में ही आपको फायदा होगा। अगर आप 20 मिनट से कम में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। रूल 6 क्या कहता है? डू हिप्नोथेरेपी फॉर वेट लॉस। कैसे करते हैं हिप्नोथेरेपी? डिप्रेस्ड नहीं होना है और अपने आप को ऐसे विजुलाइज करना है कि मैं अब पतली हो रही हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए सब ओबेसिटी कम करना ही चाहते हैं या उतने पे रुकना चाहते हैं, सभी आंखें बंद कर ले प्लीज, अपनी जगह पर बैठ जाएं, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान करें। कुछ देर अपनी सांस को देखें, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग अराउंड योर नॉस्ट्रिल, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रीदिंग। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। धीरे धीरे जब आप अपनी बॉडी पर ध्यान को लगाएंगे तो सबसे पहले आप अपने पैरों पर ध्यान देंगे। मेरे पैरों से एक्सेस फैट, अतिरिक्त वजन कम हो रहा है। पिंडलियों पर ध्यान को लगाएंगे, मेरी पिंडलियों से अतिरिक्त वजन कम हो रहा है। आई एम रिड्यूसिंग एक्सेस फैट फ्रॉम माई हाफ मसल्स। आई एम रिड्यूसिंग एक्सेस फैट फ्रॉम माई थाइस। ना सिर्फ आपको उन जगह को देखना है बल्कि देखना है कि वो पतली हो गई हैं, स्मार्टली आप चल पा रहे हैं। नाउ फोकस ऑन योर स्टमक। आई एम रिड्यूसिंग एक्सेस फैट फ्रॉम माई स्टमक। आई एम रिड्यूसिंग एक्सेस फैट फ्रॉम माई हार्ट चेस्ट एरिया। I'm reducing excess fat from my face. I'm reducing excess fat from my shoulders. I'm reducing excess fat from
from my back. I'm reducing excess fat from my hip area, buttocks. मैं अपना एक्स्ट्रा फैट पूरी तरह कम कर चुकी हूं और एक महीने में मेरा वजन इतने किलो हो गया है। जो तो भी आपका टारगेट वेट है, 5 kg, 4 kg, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है एक महीने में कम करने का, उसको कम करके आप उसको चैंट करें, अपनी स्क्रीन पे अपनी पुरानी फोटो लगाएं और देखें अपने आप को कि वजन चेक कर रहे हैं तो कितना है। पूरे दिन आप देखें, मैं खूब सारी वेजिटेबल्स, खूब सारे फ्रूट्स खाती हूँ, वॉक कर रही हूँ, रन कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, ऐसा अपने आप को करें। एक डीप लंग फिलिंग ब्रेथ, पतले होकर के अपनी आंखों को खोले। सो दिस इज सेल्फ हिप्नोसिस प्रोग्राम, जो बहुत कमाल का है। किसी भी डिजीज के लिए भी इसको कर सकते हैं। वजन कम करने में ये बहुत आनंद देता है, टेंशन नहीं देता, कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि वजन तो कम हो ही जाएगा, इस वजन से हमें कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली। लेट इट गो, हम अपना काम करें, वो जो घड़ी घड़ी वाली एंग्जाइटी है ना, वो नहीं होती इस हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम से। आई थिंक आप समझ गए होंगे, एज सिंपल एज दैट, कि आपको जो प्रेशर है उसको रिलीज करना है और आपको ऐसा एफिर्मेशन देना है कि हमारी बॉडी से ये कम हो रहा है। ओके भी बात करते हैं नेचुरोपैथी की, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे एक स्टीम बात है वेट लॉस प्रोग्राम में, स्टीम बात, हिप बात, बेडशीट पैक, हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस, मसाजेस। तो स्टीम बात, अगर स्टीम बात नहीं है आपके पास, वैसे पोर्टेबल स्टीम बात ऑनलाइन मिलता है, आप उसे ले लें। अगर मान लीजिए स्टीम बात नहीं है आपके पास, तो आप एक जो फेस स्टीम लेते हैं उसको आप पैरों के नीचे रख लें, है ना, चेयर और डाइनिंग टेबल वाली चेयर्स जो होती हैं पुरानी वाली, उसके ऊपर बैठ जाएं और उसको पूरा ढक लें। वो भाप धीरे 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 आपकी पूरी बॉडी को ढक लेगी, कवर कर लेगी, और इस तरीके से आप अपने अपने अतिरिक्त वजन को कम कर सकते हैं। एक साधारण तरीके से स्टीम बाथ ले सकते हैं। और दूसरा पुराना देशी तरीका होता है कि जो हमारे पास पुरानी चारपाइयां हुआ करती थी, उनपे आप अगर लेट जाएं और इस तरीके का नीचे स्टीमर रख दें, तो पूरी बैक से स्टीम भाप बनती हुई आपकी चेयर के साइड में आएगी। तो इस तरीके से वो भी एक स्टीम बाथ का पैटर्न हो सकता है कि आप चारपाई पर लेट गए, उस मिनी चारपाई के नीचे आपने स्टीमर रख दिया, तो आप इस तरीके से स्टीम ले सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें हॉट फुट बाथ का जिक्र नहीं किया है। हॉट फुट बाथ, गर्म पानी में पैर डाल के जब हम कंबलों से बॉडी को कवर करते हैं, वो भी एक तरीका है जिससे पसीना खूब निकलता है। तो जो भी कोई भी ऐसी तरीका, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके शरीर से पसीने को निकालती है, ऐसे वो लोग जो इतना वर्कआउट नहीं कर सकते, उनका एक बहुत बड़ा मतलब ये हो सकता है कि नेचुरोपैथी से वो वेट लॉस करें। से मसाज, आप अगर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जब आपकी ऊपर बॉडी पे एक्टिविटी करता है, तो भी आपका वजन कम होता है, कहीं पर इकट्ठा फैट मोबिलाइज होता है। आप किसी भी बंदे को अपने घर में हायर कर सकते हैं कि तुम भाई मेरी डेली मसाज करो, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और बॉडी का जितना फैट डिपॉजिट है जगह जगह वो मोबिलाइज हो जाएगा, ठीक है, उससे भी आपको बहुत आराम महसूस होगा। बेडशीट पैक गर्मियों में लेने का समय है, अगर आप इसको सीखना चाहें तो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे भी वीडियोज अवेलेबल है, आप उनको देख के सीख सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस, ऊनी सूती पट्टियां जो कि अवेलेबल भी है और बहुत इजी टू बनाने में भी आसान है और लपेटने में भी आसान है। तो ऐसा आप जितने भी फ्लबी एरियाज हैं जहां पर भी, या आप अगर 10 किलो वजन कम कर चुके हैं, जब आप वो वजन कम कर चुके हैं तो आपको बॉडी हल्की लगने लगेगी और रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। ये अमूमन सबके साथ होता है पर लोग ध्यान नहीं देते। जैसे आपने 10 किलो से ज्यादा वजन कम किया, आपके और आम का वजन ऐसे लटकने लग जाएगा, कुंड नहीं रहेगा, उतनी मेहनत कोई कर नहीं पाता। तो जब भी वजन आप किसी का कम करा रहे हैं, 6 किलो के बाद आप बैंडेजेस एडवाइस कीजिए, हमें अब ऊनी सूती पट्टी बांधनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो आपकी साथ में टोनिंग होने लगेगी, हमारे
सेंटर में या हमारे थ्रू कोई भी वजन कम करता है तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप पट्टियां बांधनी शुरू करो, पेट पर पट्टी बांधो, चेस्ट पर बांधो, आर्म्स में बांधो, हाथों में बांधो। इससे क्या होगा, खूब ताकत आती है, मसल टोन होते हैं और स्ट्रेंथ भी रहता है। वजन कम करने के लिए स्टीम बाथ, टोन करने के लिए पट्टियां, तो स्टीम बाथ, पट्टियां, मसाजेस, ये तीन का कॉम्बिनेशन लेकर के आप अच्छे से नेचुरोपैथी करते हुए वजन को कम कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, तो एनिमा का सहारा जरूर लेना चाहिए, 10 दिन तक लगातार लीजिए, फिर हफ्ते में एक बार लीजिए। इन सारी विधियों को सीखने के लिए आप हमारे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सिखा दें और आप करें। तो मेरे ख्याल हम लोग लेट भी ज्वाइन किए थे और सीमा जी का एक इंटरेस्टिंग सेशन हमें देखना है, हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक बार सीमा जी आप अपना शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग रीज्वाइन कर लें इसको, है ना? हाँ जी, यस मैम। एकदम से मतलब कट जाएगा, 5 मिनट ही बाकी है, तो फिर लोगों को इनकन्वीनियंट होगा। तो अगेन आप सभी पूरे सेशन को देखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, तो आप रीज्वाइन कर लें फिर से। ओके, सेम लिंक होगा, हमारा सेम लिंक है, उसी लिंक पे आप कनेक्ट हो जाइए। प्लीज लिव करके